Assalamualaikum dear all students, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये जो है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर, जो मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और सर्विस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, ये जो है दरमियान का काम करता है यूज़र के और कंप्यूटर हार्डवेयर के। इनेबलिंग यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर एंड रन एप्लीकेशंस। द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं उनको मैनेज करता है। एलोकेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज सच एज सीपीयू टाइम, सीपीयू के टाइम को, उसकी मेमोरी को, टू रनिंग प्रोग्राम एंड मैनेजिंग देयर एग्जीक्यूशन, जो रन होने हैं, जो वेट में होने हैं प्रोसेस, उनकी एग्जीक्यूशन, इन सब को मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, एलोकेटिंग एंड ट्रैकिंग मेमोरी यूसेज, यानी कितनी मेमोरी यूज़ होगी और कितनी नहीं, फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड इंश्योरिंग एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल मेमोरी। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इंक्लूडिंग रीडिंग राइटिंग एंड डिलीटिंग फाइल, यानी कि जो भी फाइल रीड करनी है, राइट करनी है या डिलीट करनी है, फाइल को जो है वो मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस विद पेरिफेरल डिवाइस सच एज कीबोर्ड, माइस, प्रिंटर्स एंड स्टोरेज डिवाइस, डिवाइस को मैनेज करता है, यानी कि जो भी इनपुट कराना हो या आउटपुट कोई भी ऑपरेशन कराना हो, कीबोर्ड के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए, तो इसके काम आता है। यूज़र इंटरफेस क्या होता है, प्रोवाइडिंग अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, विच कैन बी अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI और अ कमांड लाइन इंटरफेस CLI। ये जो है यूज़र इंटरफेस का काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी मैं आपको आगे पिक्चर दिखाती हूँ, GUI भी क्लियर हो जाएगा और CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर भी इंटरफेस भी क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कहलाते हैं GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करता है, और ये है कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि यहाँ पर जो है हम अपना कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक जो है वो रन करा सकते हैं, जैसे कि पाइथन हो गए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं तो कोड लिखने के बाद जो है वो हम इस पर रन करा सकते हैं, CMD जिसे कहते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस जिसे कहते हैं CLI, ठीक है। एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम की, पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकोस, लिनक्स एंड एंड्रॉयड। ईच ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन फीचर यूज़र इंटरफेस एंड कंपैटिबिलिटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब जो है मैं दिखाती भी हूँ कि ये क्या होते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप मैकोस को देख सकते हैं, एप्पल जो सैम्पल बना हुआ है, इज़ अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाय एप्पल लाइन फॉर देयर मैकिंटोश। तो ये जो है मैकोस होता है, iOS होता है, iOS क्या है, प्रीवियसली आईफोन, जो प्रीवियसली आईफोन था, US इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एप्पल इंक, ओरिजिनली अनवील्ड इन 2007 में, फॉर द आईफोन इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू सपोर्टेड अदर एप्पल डिवाइस सच एज द आईपॉड टच। तो इनकी जो है हिस्ट्रीज भी लिखी हुई हैं। अब लिनक्स क्या है, ये जो पांडा जैसा सिंबल है, लिनक्स इज़ अ यूनिक्स लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम assembled under the model of free and open source software development and distribution, इसके लिए वर्क करता है। और एंड्रॉयड जैसे कि मोबाइल भी होते हैं, एंड्रॉयड इज़ अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन प्राइमरली फॉर टच स्क्रीन मोबाइल, जैसे कि लिखा हुआ भी है, डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड इंक।
अब आगे है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हम कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं, इज़ अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप मार्केटेड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद है बी एस डी ओ एस हैड अ रेपुटेशन फॉर रिलायबिलिटी इन सर्विस रोल्स, द रेनोन्ड लिनक्स प्रोग्रामर एंड ऑथर डब्ल्यू रिचर्ड स्टेवन यूज्ड इट फॉर हिज ओन पर्सनल वेब सर्वर फॉर दिस रीज़न। इसका जो है वो कम ही यूजेज होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में मुझे याद रखें। थैंक यू सो मच।